सभी को प्रणाम। मैं योग गुरु राजेश आप सभी को रामनवमी के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं और उनके जीवन से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती हमारे जीवन में आ जाए, हमें कभी भी संयम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी भी अपने धैर्य शक्ति को नहीं छोड़ना है। आज कोरोना महामारी में भी पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और हर व्यक्ति को ये बीमारी बहुत भयभीत कर रही है। घर में बैठे बैठे भी व्यक्ति भयभीत हो रहा है और एक तरह का तनाव उसको घेरे जा रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि विपत्ति चाहे कैसी भी हो, लेकिन यदि आप भयभीत नहीं होंगे तो आप हर विपत्ति का समाधान कर सकते हैं। भगवान श्री राम के जीवन में भी बड़ी से बड़ी चुनौतियां आई, बड़ी से बड़ी परिस्थितियां उनको घेर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना में जब आप भयभीत हो जाते हो तो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर पड़ जाती है और कोई भी वायरस आप पर तभी आक्रमण करता है जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। यदि आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी ठीक से काम कर रही है तो कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सबसे पहला हमें अपने संयम को नहीं छोड़ना है, अपने धैर्य शक्ति को बनाए रखना है और तनाव से बहुत दूर रहना है। परिस्थितियां आती हैं जाती है, यही तो जीवन है कि भगवान श्री राम हमें अपने जीवन से ये बहुत बड़ी सीख देते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें बैलेंस बनाए रखना है, संयम बनाए रखना है। तो आओ इस रामनवमी के पावन पर्व पर हम ये संकल्प करें कि बीमारी चाहे कितनी भी भयभीत करने के लिए तैयार हो, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। कोरोना के संक्रमण से हमें तनाव में नहीं जाना है। सही चिकित्सा जो भी उपलब्ध हो, जो सुविधाएं आपके पास हो, उन्हीं सुविधाओं को आप, उन्हीं चिकित्साओं को अपनाकर आप कोरोना को हरा सकते हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप भी इस विश्वास को बनाएं और तनाव से मुक्त हों। मैं आरोग्यम रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आप सभी को रामनवमी की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें और अपने जीवन को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करते रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को नमन।